हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेंसिल शेड वर्क में मशरूम बनाना बताने जा रहे हैं। जिस चित्र की नाप रहेगी 15 सेंटीमीटर हम अपने ब्लैक बोर्ड में बनाएंगे। आप हमारे साथ अपनी ड्राइंग शीट में बनाना स्टार्ट कीजिए। इस चित्र की नाप के लिए भी हम निशान पहले से ही बना लेंगे। ये पूरा चित्र हमारा यहाँ तक बन के तैयार होगा। मशरूम की आकृति निकालने के लिए देखिए, पहले लाइट चौक चला कर हम इसकी पूरी आकृति क्लियर कर रहे हैं। ये देखिए, पूरी लाइट चौक चलाकर हमने इसकी आकृति क्लियर कर ली है। इसको हम बीच की लाइंस जो हमारी एक्स्ट्रा की थी उनको हमने इरेज कर दिया है। ये लाइंस हम ऊपर से और ले रहे हैं। ये रही, ये लाइन हमने ऊपर से ले ली है और ये नीचे से। नाप से ये भी चित्र हमारा 15 सेंटीमीटर का ही बनके तैयार होगा। अब इस पूरे चित्र को हम क्लियर कर रहे हैं। ये लाइंस को भी हम क्लियर कर देंगे। लाइंस को हम शेडिंग वर्क में मिक्स कर दे रहे हैं। हमारा पूरा चित्र एक नाप से बनके तैयार हो गया है 15 सेंटीमीटर का। ये भी चित्र अब हमारा ये शेडिंग वर्क में हम उसको सेट कर दे रहे हैं। देखिए, जितनी भी लाइंस हमारी एक्स्ट्रा की थी हम उनको सब इरेज कर रहे हैं और शेडिंग वर्क में मिक्स कर दे रहे हैं। बाकी की लाइंस हमारी ये शेडिंग वर्क में मिक्स हो रही हैं। लाइट डार्क शेड वर्क हमें इसमें भी देना है। ये स्टार की लाइन है हमारी, उनको इरेज कर लेंगे। मशरूम को भी कहीं पर रखा हुआ ही हम दिखाएंगे। पूरी लाइंस को हम क्लियर कर रहे हैं। ये देखिए, शेडिंग वर्क में इसको हम मिक्स करते हुए ही जा रहे हैं। पूरा शेड वर्क इसका इस तरह कर देंगे। जब हमारा चित्र परफेक्ट बन जाएगा तभी ही हम शेडिंग वर्क इसके करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये लाइंस को हम डार्क कर रहे हैं ऊपर वाली शेडिंग वर्क के साथ में, नीचे वाली लाइंस भी हमारी डार्क ही रहेगी। मशरूम का ये हिस्से को हम डार्क शेड वर्क में देंगे। देखिए, ऊपर से यहाँ से चौक रखिए, नीचे की ओर हम चला रहे हैं। पूरा शेडिंग वर्क इसी तरह ही जाएगा। देखिए, नीचे हमारा लाइट शेड वर्क रहेगा, इसमें भी शेडिंग वर्क हमारा रहेगा। देखिए, इसको हाथों से मिक्स कर देंगे। शेडिंग वर्क हमारा बराबर से मिक्स हो जाएगा। इसको ऊपर से नीचे की ओर शेडिंग वर्क मिक्स करते हुए जाएंगे। कुछ लाइंस से देते हुए हमारा ये शेड वर्क रहेगा। इसकी आकृति गोल में हम क्लियर करेंगे। देखिए,
जैसे गोलाकार दिया जाता है वैसे ही हमने इसकी आकृति करके अब आउटलाइन इसकी हम सारे चित्र की फिर से कर लेंगे, क्योंकि शेडिंग वर्क हमारा पूरे चित्र में कंप्लीट हो गया है। इनको भी हम मिक्स कर रहे हैं इसमें बराबर से। ये पोर्शन हमारा लाइट जाएगा, ऊपर का ये पोर्शन डर गया है तो ये लाइट हमारा पोर्शन आना है, इसलिए हम इसको शेडिंग वर्क में मिक्स कर रहे हैं और नीचे के भी हिस्से को मिक्स कर रहे हैं। मशरूम में पूरे चित्र में हमारा ये देखिए पूरा शेड वर्क जाएगा, हाथों की मदद से बराबर से पूरा चित्र हम शेड वर्क कंप्लीट कर रहे हैं इनका। ये हमारा पूरा चित्र में शेड वर्क हो गया है। इसमें आपने देखे हैं डॉट डॉट से नीचे रहते हैं वो हम इस तरह से कर देंगे, ये देखिए चॉक की मदद से हम कर रहे हैं। आप अपनी पेंसिल से 10B की पेंसिल से ऐसे बारीक से स्पॉट से देते जाएंगे पूरे चित्र में ऐसे। नीचे से इस तरह सा शेडिंग वर्क में हमने चित्र को अपना कहीं पर रखा हुआ ही दिखाया है। ये पूरा चित्र हमारा बनके तैयार हुआ है 15 सेंटीमीटर का, यहाँ पर हम लिख देंगे 15 सेंटीमीटर, ऊपर यहाँ पर लिख देंगे स्मृति चित्र, स्मृति चित्रण। आज हमने आपको पेंसिल शेड वर्क में मशरूम बनाना बताया है, यहाँ पर हम लिख देंगे मशरूम। मशरूम को छत्रक भी कहते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे साइड में छत्रक। इसको हमने मशरूम आज हमने आपको बनाना देखिए बताया है। मशरूम को छत्रक भी कहते हैं। ये पूरा चित्र आपका बनके तैयार हुआ है 15 सेंटीमीटर का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसी तरह की और वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें।